हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पार्थ यूट्यूब। एंड मेरा नाम है पार्थ प्रति मजुमदार। एंड इस चैनल में आप लोगों को क्या मिलता है शायद पता होगा, अगर नहीं पता, अगर नए हो तो मैं बोल देता हूँ, थोड़ी देर का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे सी डब्ल्यू के कॉन्टेंट यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है। सबसे बढ़िया वाला कॉन्टेंट है, रॉ कॉन्टेंट है। आप जाके चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट मेरा, जहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। आप लोग को बी वायरल शो मिलेगा एंटरप्रेन्योर्स के साथ। अगर आप अभी कॉलेज में हो तो देख सकते हो, ठीक है। अगर आप 11 12 में हो तो आप सी के वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट के वीडियोस देख सकते हो, बहुत कुछ देख सकते हो, राइट। तो वही यार, इतना सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेरे बारे में, ठीक है। चलो बता देता हूँ, मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, ठीक है। जेईसी में हूँ अभी फाइनल ईयर, ठीक है। इतना ही है और क्या। और यूट्यूब कर रहा हूँ एक साल होने वाला है, ठीक है। एंड थैंक्स टू यूट्यूब जिन्होंने मतलब यार बहुत सारा दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है। चलो यार, अभी बकवास नहीं करता हूँ, थोड़ा वीडियो पे फोकस करते हैं, है कि नहीं। आप लोग देखने वाले हो क्या सीडब्ल्यू 2021 के थोड़े बहुत अभी क्या बताओ, स्ट्रेटेजीज बता सकते हो, है ना, मेथड्स बता सकते हो, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। वीडियो को देखते रहो। तो सबसे पहले सीडब्ल्यू 2021 स्ट्रेटेजीज, ठीक है। स्ट्रेटेजीज से पहले हम लोग जान लेते हैं कि टाइम कितना है। टाइम तो बहुत ही कम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जनरली हम लोग का होता है अप्रैल के एंडिंग में, ठीक है, या फिर मई के स्टार्टिंग में। अभी इस टाइम मेरे को नहीं पता, लेकिन मई के स्टार्टिंग में ही होने वाला है या फिर मई के बीच में होने वाला है। तो वी हैव 5 months इन एंड अराउंड, हम लोग के पास 5 months से थोड़ा कम ही है, लेकिन मान लेते कि थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। तो 5 months हम लोग के पास है। तो 5 months आई थिंक इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड 5 months बहुत ही कम है, राइट। तो अभी कैसे हम लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग इतने कम टाइम में, ठीक है, इतने कम टाइम में हम लोग क्रैक कर पाए, वो भी और अच्छे रैंक के साथ। क्योंकि इस बार हम लोग ने देखा है कि जिसको 300 रैंक तक मिला उन लोग को भी नहीं मिला एसी में, ठीक है, मैकेनिकल में नहीं मिला उन लोग को भी। तो हम लोग ने देखा है ऐसे ऐसे एग्जांपल्स। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप जाके मेरे पिछले वाले वीडियोस देखिए, जितने भी पिछले वाले उनके कमेंट्स पर ही है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपके बच्चे बता रहे हैं मतलब कि भैया हमें नहीं मिला, टाइप कर रहे हैं, मेरा इतना रैंक था, इतना मार्क्स था, मेरे को यहाँ पे इस ब्रांच में नहीं मिला। तो आप जाके चेक, प्रूफ है, चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने नहीं बताया, उन लोग ने बताया, चेक कर सकते हो, ठीक है, एंड डेट इज़ राइट। तो चलो यार, अभी बात करते हैं कैसे स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या है, कोई टाइम टेबल नहीं। अब बहुत लोग बोले कि ये टाइम टेबल है सबसे बढ़िया, ये टाइम टेबल है, ये फॉलो करो। टाइम टेबल फॉलो होता नहीं है सबसे पहली बात, एंड टाइम टेबल चेंज होते रहता है। जैसे कि आप लोग के अभी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो टाइम टेबल चेंज होना पड़ेगा, ठीक है नहीं। फिर आपके बोर्ड्स भी आएंगे, राइट। तो टाइम टेबल आई थिंक फिक्स रहता नहीं है, चेंज होता रहता है। तो व्हाट इज दैट व्हिच डजंट चेंज, ठीक है, वो कौन सा तरीका है जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली कुछ कर सकते हैं एंट्रेंस में, जेई हो, नीट हो, सीई हो, कुछ भी हो। सीई की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग किसी भी एग्जांपल ले सकते हो। तो सबसे पहले देखो यार, एक बहुत ही बढ़िया लाइन है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा लाइन है, अगर आप उसको जान लेते हो, ठीक है, या फिर मान भी लेते हो, तो आई थिंक आप लोग के एग्जाम में स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है। वो क्या है, वो ये नहीं है कि आप दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, 5 घंटा पढ़े, वो ये नहीं है कि आप मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है, सिर्फ पढ़ने बैठ जाओ। वो ये भी नहीं है कि आपने लाखों रुपए लगा दिया कोचिंग में, वो कुछ भी नहीं है। वो ये भी नहीं है कि आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो। वो क्या है, वो ये है कि गिव प्रायोरिटी, ठीक है, गिव प्रायोरिटी टू योर राइट डिजायर्स, ठीक है। वो क्या है, गिव प्रायोरिटी टू योर राइट डिजायर्स। वो डिजायर्स क्या है, अभी एंट्रेंस क्रैक करना है, वो एक अच्छा डिजायर है, ठीक है। हम लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे दो वर्ड है, क्या प्रायोरिटी है और डिजायर है। तो हम लोग को प्रायोरिटी देना चाहिए कहाँ पे, राइट डिजायर में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अगर देखोगे आपके शेड्यूल को, आप लोग देखोगे आप लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, शायद टीवी देखने में, या फिर गेमिंग में, या फिर वेब सीरीज में, या फिर बी ग्रेट मूवीज देखने के लिए, है ना, पॉर्न देखने के लिए। समझ में आ रही है ना मेरी बात को, फील ले रहे हो, ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना, कुछ तो गलत नहीं बोल रहा, बच्चे तो अब हो नहीं है कि नहीं, सही, ठीक है। तो इन सब से हमको क्या करना है, अटैचमेंट को दूर करना। यहाँ पे मैं सलील जामदार नहीं हूँ कि अरे से नो टू पॉन्ड, से नो टू पॉन्ड, या फिर मैं बियर बाइसेप्स भी नहीं हूँ जो कि हैशटैग नो फैब, ठीक है, ये सब नहीं कर रहा मैं, रियल चीज बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, गिव प्रायोरिटी टू योर राइट डिजायर्स। आप अपने अच्छे कामों को प्रायोरिटीज दो। अच्छे काम क्या, आपका भी पढ़ना है, ठीक है, वो अच्छा काम है, आप लोग के लिए एक अच्छा बेनिफिट लाएगा। क्या लाएगा बेनिफिट, कि आप लोग को एंट्रेंस में सीट मिलेगा, है कि नहीं, एक अच्छी लाइफ मिलेगी, बहुत बढ़िया सी, मतलब ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो यही सिंपल सा था। आप लोग बोल रहे कि भैया मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा जोश में बोलो। देखो यार, आप लोग बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कुछ काम में नहीं आने वाला, कुछ काम ही नहीं आएगा। क्या काम में आया आज तक, कुछ भी नहीं आया ना, तो क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। तो मोटिवेट होना इज़ नॉट द सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज़ कि हम लोग को राइट
अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, राइट स्ट्रेटेजी हो ताकि हम उस गोल को अचीव कर सके। वो कैसे होगा? अपने प्रायोरिटीज को सही जगह में देना, ठीक है। अभी हम लोग का ये टाइम नहीं है कि हम अपने प्रायोरिटीज को किसी और जगह में दें, ठीक है, इंपॉर्टेंस किसी और जगह में दें, नहीं है अभी टाइम। आप बोलोगे भैया मेरे पास टाइम कम है, टाइम किसी पास कम नहीं होता है। आप एक बच्चे को पूछोगे बोलेगा भैया मेरे पास बहुत टाइम है, एक को पूछोगे भैया मेरे पास टाइम ही नहीं है, दोनों के पास इक्वल टाइम है, बस एक के पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है, एक के पास एक है कि हाई मिशन है, एक मिशन है, एक विजन है कि हाँ यार इतने टाइम में मैं कर लूंगा क्योंकि मैं प्रायोरिटी देता हूँ अपने राइट कामों को, राइट वर्क्स को, एंड ये अपने आलतू फालतू को काम में देता है। मतलब वो आलतू फालतू क्या, मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया है, विस्तार से बोल दिया है इनफैक्ट, राइट। तो आप समझने की ट्राई करो कि आपको राइट कामों में देना होगा, बाकी या तो आप खुद कर ही लोगे, टाइम टेबल क्या बना ही लोगे। ऑलरेडी अमन के जो वीडियो है रिसेंट वाला, टाइम टेबल द बाप ऑफ ऑल टाइम टेबल्स, देखा है, लेकिन फॉलो किया है क्या? फॉलो नहीं किया ना, क्यों फॉलो नहीं किया? मुझे कैसे पता आपने फॉलो नहीं किया, है कि नहीं? आप बोलो कि भैया मैंने तो वो भी तो देखा ही नहीं है, जाके देखो, फॉलो करने का ट्राई करो, फॉलो नहीं होगा, आई कैन से इट, फॉलो नहीं होगा। अगर करते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन फॉलो नहीं होगा, मेरे को पता है, एंड मैं ट्रूथ ही बोलता हूँ, प्रैक्टिकल बातें ही बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्या, प्रायोरिटी दो उन चीज़ों को जहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट मिले। आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आ गया है। अब आप खुद से अपना एक टाइम टेबल बनाना कि हाँ अभी मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं तो अभी मुझे अपना बोर्ड्स में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा, 11th की टॉपिक्स को हमको थोड़ा कम फोकस करना होगा। अभी ठीक है, अभी हम लोग का बोर्ड्स खत्म हो गए तो अभी हमको 11th में फोकस करना होगा। अच्छा, मेरा मैथ्स वीक है तो मुझे भी मैथ्स में फोकस करना होगा। तो हर एक का अलग अलग होता है स्ट्रेटेजी, अलग अलग होता है टाइम टेबल, तो कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई होता है कि वो रात को पढ़ता है, कोई होता है कि सुबह पढ़ता है, कोई होता है कि मतलब पढ़ता ही नहीं है, तो ऐसा भी मत करना, पढ़ना, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने राइट कामों को प्रायोरिटी दो। अभी ज़्यादा मैं बकवास नहीं करूँगा। अब बहुत लोग पूछे कि बुक्स के बारे में, भैया ये बुक्स बता दो, वो बुक्स बता दो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखा है, आप लोग को लिस्ट मिल जाएगा मैंने कौन सा वीडियो नहीं बनाया, कट ऑफ से लेकर के, प्लेसमेंट से लेकर के, स्ट्रेटेजी से लेकर के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स, हर एक अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको जानना है कि बुक्स क्या चाहिए तो मैं बोल लेता हूँ, क्विकली बोलूंगा। मैथ्स में आप आरडी शर्मा फॉलो कर सकते हो। अगर आपको डीपली कॉन्सेप्ट चाहिए कोर्टिन के तो एस एल लोनी अच्छा है। अगर आपको अरिहंट फॉलो कर सकते हो फॉर कैलकुलस, दैट इज वेरी वेरी गुड। केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी करो, वो मोर देन एनफ है। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री और करना है तो एन अवस्थी, दैट इज सफिशियंट फॉर जेई एडवांस ऑल्सो, लेकिन आप देख सकते हो अच्छा है मतलब बुक, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हो, एंड क्लास के नोट्स, ठीक है, वो सफिशियंट है, आई थिंक सफिशियंट है मतलब, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक के लिए आप वीडियोज देखो, सफिशियंट है। बुक्स टाइम पर के टाइम वेस्ट मत करना, वीडियोज देख सकते हो 2x स्पीड में, ठीक है। फिर फिजिक्स में आप एनसीईआरटी देखो, है ना। एच वर्मा बहुत लोग का ये है कि एच वर्मा नहीं यार, सी के लिए एच वर्मा आई डोंट थिंक करना भी चाहिए। डीसी पांडे कर सकते हो, बहुत काम में आने वाली है। हाँ, अगर आप जेई दे रहे हो तो एच वर्मा शायद कुछ हद तक काम आ जाए, ठीक है। अच्छा, वो बहुत अच्छा बुक है, लेकिन डीसी पांडे इज बेटर आई गेस फॉर सी डबल ई, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स है। आई थिंक मैंने आप लोग को बोल दिया है सब कुछ। अभी इस टाइम पे आप लोग को फोकस करना है अपने वीक पॉइंट्स पे। टाइम है 5 मंथ्स, तो पहले के 2 मंथ आप कहाँ पे दोगे जो आपके वीक्स है। अभी रिविजन नहीं करना, अभी आप वीक पे फोकस करो, ठीक है। फेब्रुअरी में आपके बोर्ड आएंगे, अगर आप ड्रॉपर हो तो आप अपने वीक पे अभी फोकस करते रहो, मैथ्स प्रैक्टिस करो, एंड अभी वीक जोन पे काम करो। जब मार्च एंड अप्रैल के टाइम पे आपको बस रिवीजन करना है, तब नो न्यू टॉपिक्स, नथिंग, ठीक है, ओनली रिवीजन। आप वीडियोस देख सकते हो मेरे पुराने वाले। एंड और एक अपडेट जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बोला था, सीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसका डेट तो 11 दिसंबर था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ और एक दिन तक 14 दिसंबर तक अगर आप ज्वाइन करते हो तो 500 में आपको ये आई थिंक सबसे बढ़िया वाला टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, सीडब्ल्यू पैटर्न वाला, ठीक है। जेई के तो बहुत है, सी के नहीं है। चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो मत ज्वाइन करना। लेकिन हाँ, और एक बात, अगर आप लेट ज्वाइन करते हो 14 के बाद तो इसकी प्राइस हो जाएगी 1200, ठीक है। तो अगर ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन करो, एंड मुझे पता भी है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप आज ही ज्वाइन कर लोगे, अगर नहीं करना चाहते हो तो भी फ्री में भी दे दूंगा, तब भी नहीं करोगे, राइट। लेकिन प्रायोरिटी, द वर्ड प्रायोरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं ये बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस, ऐसा नहीं कि किसी वीडियो देख लिया फिर बना लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी वीडियो उठा के देख लो, अगर मेरे से एग्जैक्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। चलो यार, मैंने आज बहुत सारा बात कर लिया, अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी ज्वाइन करना। लास्ट डेट 14 दिसंबर है, स्टार्ट हो जाएगा 16 दिसंबर से, उसके बाद आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो ज्वाइन, लेकिन प्राइस हो जाएगा 1200, तो दिमाग में रखना ये बात, ठीक है। एंड हम लोग बाकी दूसरा बैच लॉन्च नहीं करें, हम लोग के पास एक ही बैच है, सीडब्ल्यू बैच जो हमने अक्टूबर में लॉन्च किया था, अभी हम लोग दूसरा बैच लॉन्च नहीं करेंगे, बस टेस्ट सीरीज वाला हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है। एंड आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हो, तो लेट्स स्टॉप द वीडियो यार। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट पे पूछना, एंड ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कुछ डाउट पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चे मैसेज करते हैं, तो ये अच्छा है मेरे लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।